औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नाज़रीन, प्रोफेसर मोहम्मद नईम आवान, पैरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि हम आज तक 6 लेक्चर्स ऑफ अकाउंटिंग ले चुके हैं और उसमें हमने इसकी डेफिनेशंस, इसकी डिफरेंट जो स्पेशल आइटम्स थी, टर्म्स थी, कॉन्सेप्ट्स थे जिनका समझना ज़रूरी था, वो समझे। और इसके बाद अभी हम नेक्स्ट जो इस वक्त टॉपिक्स आज करने जा रहे हैं वो बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि हमने इससे पहले जितना भी पढ़ा वो था सारा का सारा रिलेटेड टू डेफिनेशंस। वो डेफिनेशंस मैंने बताया था कि जो हमारा पेपर पैटर्न होगा वो 3 तरह का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, डेफिनेशंस और लॉन्ग क्वेश्चंस यानी कि न्यूमेरिकल्स। आज हमारा 7th चैप्टर में जो मेजर पोर्शन है न्यूमेरिकल्स, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले MCQs मैंने बताया था कि 20 मार्क्स के आएंगे, 20 मार्क्स की डेफिनेशन, और जो मेजर पोर्शन यानी 60 मार्क्स का है लॉन्ग पोर्शन जिसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे। आज हम न्यूमेरिकल्स का इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो जब मैंने बताया था कि इसमें जब डेफिनेशन हमने जिस तरह कर रहे हैं ना साथ साथ, वो डेफिनेशन ही हमारी प्रैक्टिस की वजह बनेगी, MCQs की भी तैयारी उसमें साथ साथ हो जाएगी। समझ लें, आप अगर डेफिनेशन वाला पोर्शन कर लेते हैं तो MCQs जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, इसके लिए आपको अलग से तैयारी करने के बजाय यही साथ कवर कर देगा, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस हम बच्चों से करवाएंगे। लेकिन ये जो पोर्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो आज हम इसमें समझेंगे जर्नल। अब जर्नल को समझने से पहले जो एक चीज़ आपको बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि वो है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या है? अकाउंटिंग का एक चक्कर कह लें इसको, एक दायरा, जिस तरह एक चक्कर में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना हो उसकी तमाम जो स्टेजेस हैं, जो मराहिल हैं, उनको एक्सप्लेन करना हो तो अकाउंटिंग का भी एक चक्कर है, एक साइकिल है, उस साइकिल को हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। और इस अकाउंटिंग साइकिल की 5 स्टेजेस हैं। कितनी स्टेजेस हैं? 5, यानी 5 स्टेजेस हैं। वो क्या हैं? इसके ऊपर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि वो है ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। तो ये जो इसकी स्टेजेस हैं, इसमें सबसे पहले है ट्रांजैक्शन। जब मैंने बताया था ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी इवेंट्स होते हैं, जो लेन देन के मामलात होते हैं, ज़ाहिर है अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है ट्रांजैक्शंस को, और ट्रांजैक्शंस होंगी तो हम कुछ रिकॉर्ड करेंगे। अब पहला स्टेप जो है, ये तो ट्रांजैक्शन आपके इवेंट्स होंगे, उसके बाद सबसे पहले जहाँ रिकॉर्ड करेंगे उसको हम इसकी सेकेंड स्टेज पर यानी कि जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक भी सेकंड स्टेज है यानी कि जर्नल। तो पहले जर्नल को समझने के लिए कि ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स, तो आगे और पिछली स्टेज को समझने के लिए जर्नल पहली फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री है। इसको डेफिनेशन करते हैं, डेफिनेशन समझते हैं। तो जर्नल द बुक इन विच ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल को हाईलाइट किया है ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। द बुक इन विच ट्रांजेक्शन्स, वो किताब जिसमें जो मामलात हैं, जो लेन देन के इवेंट्स हैं, कारोबार के ट्रांजेक्शन जो हैं, वो आर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले रिकॉर्डेड यानी लिखी जाती हैं। हमने अकाउंटिंग के डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो ये जो रिकॉर्डिंग का पहला मरहला है, जो ये अकाउंटिंग की स्टेज में से सेकंड स्टेज और राइटिंग के लिहाज से पहली बुक है। तो ट्रांजैक्शन हुई, उसको हमने जर्नल में रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है इसको हम जर्नल कहते हैं। इसको हम जो अगर स्टडी करें तो इट रेफर्स टू डेली आल्सो, इसका मतलब डेली भी बन सकता है, लेकिन इसको हम इसी तरह याद करेंगे, द बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड विद अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक मुख्तसर बयानिए के साथ, मुख्तसर तफसील के साथ, इज कॉल्ड जर्नल, इसको जर्नल कहा जाता है। यानी एक तो इसमें डेली जो रोज़ाना जो मामलात आपके होते हैं वो सबसे पहले जहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, रिकॉर्डिंग एक फंक्शन है ना अकाउंटिंग का,
तो जहाँ सबसे पहले ये रिकॉर्ड किए जाते हैं उस स्टेज का नाम जर्नल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड याद रखें, ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं उसको जर्नल कहते हैं। तो आज इस जर्नल में रिकॉर्डिंग को समझने के लिए ज़रूरी है कि इसमें रिकॉर्डिंग इसका फॉर्मेट समझें और इसको फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग कैसी होती है। वो रिकॉर्डिंग को समझने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा रूल्स, जो बेसिक रूल्स हैं उनको समझना पड़ेगा। तो वो रूल्स हमारे कहलाते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स। आप जर्नल जब बनाते हैं उसमें एक साइड का नाम होता है डेबिट, एक साइड का नाम होता है क्रेडिट। देखिए डी ई बी आई टी डेबिट और सी आर ई डी आई टी क्रेडिट। लफ्जी मतलब पर जाएं तो डेबिट का मतलब है बनाम और क्रेडिट का मतलब है जमा। इसको शॉर्टकट में डी आर और सी आर बी कहते हैं। डी आर मीन्स डेबिट रिकॉर्ड और सी आर मीन्स क्रेडिट रिकॉर्ड। और अक्सर लोग इसके मानी पूछते हैं कि डेबिट और क्रेडिट के, वैसे इसको एक्सप्लेन करना हो, डिफाइन करना हो तो कैसे करें। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये दरअसल अगर हम अकाउंटिंग में टी अकाउंट है, लजला जरा ये टी अकाउंट है, इसकी एक बाएं वाली साइड है वो डेबिट है और जो दाएं वाली साइड है वो क्रेडिट है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ वी डिवाइड अ पेज इनटू टू साइड्स देन द लेफ्ट साइड, आपकी जो अपनी लेफ्ट साइड है, देन द लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट एंड द राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। वेरी सिंपल, लेफ्ट साइड को डेबिट और राइट साइड को क्रेडिट कहते हैं। इसके अलावा डेबिट और क्रेडिट की कोई खास आपने डेफिनेशन याद नहीं करनी। लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। अब इसको मजीद समझने के लिए कि इसमें रिकॉर्ड कैसे होता है, बाज़ लोग समझते हैं जी डेबिट का मतलब है जमा होना, बाज़ समझते हैं जी क्रेडिट का मतलब है माइनस होना, तो ये ऐड या लेस को जाहिर नहीं करता। बाज़ समझते हैं जो आए उसको डेबिट, जो जाए उसको क्रेडिट। तो हर जगह आए जाए वाला रूल भी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग है, जिस पर पूरा एक लेक्चर हो चुका है डेफिनेशन में, तो वो हैं एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल। तो ये जो 5 पिलर्स हैं, जो 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, जो 5 आइटम्स हैं, इनको समझकर इनके मुताबिक डेबिट और क्रेडिट के रूल्स नाफिज किए जाते हैं, समझे जाते हैं। तो सबसे पहले जो डेबिट कब किसको किया जाता है, इसके लिए याद रखना है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस में इंक्रीज, इंक्रीज मीन्स इजाफा होना, मैं लिख देता हूँ इंक्रीज इजाफा होना, डिक्रीज कमी होना। तो एसेट्स जो हैं उनमें इंक्रीज आए, इंक्रीज इन एसेट्स तो उसको डेबिट करते हैं, डिक्रीज इन एसेट्स तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो पता चला कि इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। इस तरह एक्सपेंसेस के रूल्स भी सेम हैं। तो इन दो रूल्स को मैंने ग्रीन कलर किया है कि बिकॉज इन दोनों के रूल्स सेम हैं। और फिर इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल यानी आमदनी, जुमादारी और सरमाया, इनके रूल्स सेम हैं। यानी इंक्रीज इन इनकम जो है ये क्रेडिट होगा, जबकि इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट होगा, कैपिटल भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज इन इनकम डेबिट होगा। अब एक्सपेंस का रूल था इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट और डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट, जबकि इनकम में डिक्रीज इन इनकम जो है वो डेबिट है और इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट है। तो इन तीनों के लिए लायबिलिटी भी डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। तो वेरी सिंपल। अब बच्चों ने ये एक डेफिनेशन सिर्फ जर्नल की डेफिनेशन और ये 5 रूल्स याद कर लेने हैं, ताकि कल से नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जर्नल का फॉर्मेट और फॉर्मेट के बाद उसमें एंट्रीज रिकॉर्ड करना सीख लेंगे। लेकिन जिसको रूल आते होंगे वो इसका जर्नल की एंट्रीज कर सकता है।